जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस इन्वेस्टिंग न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्टली एक ही क्वेश्चन है अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे तो उसका रिजल्ट कब आएगा। कुछ कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि जो काफी सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो रिजल्ट बचा है वो बीबीए, बीसीए और बीजेएमसी। बीबीए में भी कुछ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अभी कल कुछ कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, जो बाकी कोर्सेज हैं उनके लिए भी रिजल्ट के लिए अभी यूनिवर्सिटी कह रही है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। तो जैसे ही कुछ अपडेट होगा, जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, और आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इससे आगे बात करते हैं साथियों, जो हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है 30 जुलाई को, तो उसमें जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसने अपना आदेश जारी किया है कि सभी बच्चे जिनको एंट्रेंस एग्जाम देना है वो अपना वैक्सीनेशन करा लें, यानी कि अपना टीकाकरण करा लें जिन भी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम है। तो उसके लिए उन्होंने आज आदेश जारी किया है, यानी कि निर्देश जारी किया है कि वो अपना टीकाकरण करा लें। हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आदेश जारी किया है, तो यानी कि वो एक तरीके से कंफर्म ही है, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्सिटी ने, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसने आदेश जारी किया है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपका कंपलसरी ही माना जाएगा। इससे आगे बात करते हैं, जो आपका एलएलएम और आपका एलएलएम थर्ड सेमेस्टर और आपका एमकॉम थर्ड सेमेस्टर, उसका रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इससे आगे है जो हमारा एलएलबी, एलएलएम और आपका बीएलएलबी, इनके जो एग्जाम होने हैं उसके लिए आज फिर से एक मीटिंग रखी गई है यूनिवर्सिटी में। आज फिर से एक मीटिंग रखी गई है जिनको ऑनलाइन का दिया गया था, तो हो सकता है उनसे दूसरी एजेंसी पर काम चाहे। तो आज फाइनल डिसीजन आएगा कि आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट है किस तरीके से रहने वाला है, और जो आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, उसकी भी आज लास्ट डेट है। तो अपना यदि आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की इच्छा है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो उसके लिए आज आप अपनी चॉइस फिल कर लीजिएगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।